नमस्कार पिलामने, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो वीडियो स्लाइड रहा करंट अफेयर्स क्विज उपर थर्ड मार्च तृतीय मार्च जोटा कि तृतीय मार्च तृतीय सप्ताह मार्च तृतीय सप्ताह आपर रही करंट अफेयर्स क्विज 13-19 मार्च भितर जितक इम्पोर्टेंट आपर एमसीक्यूज अच्छे आम सब ये वीडियो माध्यम डिस्कशन करवा पाने जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु मु वीकली सहित मंथली वन लाइनर जोटा कि करंट अफेयर्स ओनली इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं नहीं आसूँ जो मैंने पूर्व एमसीक्यूज देखी ना फेब्रुआरी जनवरी तो आपड़ जागुड़ाक देखिपारे प्रीवियस 6 मंथ्र भी माराथन आपर अपलोडेड अच्छी आप जाइए देखिपारे जो पाने मिस करते अपकमिंग जो भी एग्जाम प्रिपेयर होती करंट अफेयर्स क्विज तो आपर रिलायबल रही करंट अफेयर मैक्सीम 12-15 क्वेश्चन आपलेबल हे तो समस्त परीक्षा उपयोगी तेणु आगक बढ़िया आउ डिस्कशन एमसीक्यू एमसीक्यू सहित तार डिस्क्रिप्शन डिस्कशन करवा चलतु आज सेशन कौन अच्छी फास्ट देखीद फास्ट आम आज डिस्कशन करवा जे इम्पोर्टेंट डेट 1 मार्च-19 मार्च भितर जितक इम्पोर्टेंट डेट हूँ आपण मना जाती 2023 आम ता विषय आलोचना करवा तो 1 मार्च ऑलरेडी आम कौन करूँ कि प्रति सप्ताह या रिवाइज करूँ तो ऑलरेडी सेकेंड आउ थर्ड फर्स्ट सेकेंड रे रिवाइज करूँ पुणी थर्ड रे रिवाइज करदे तो समस्त को मन रही जाइए तो क्लीयरली मन रही इम्पोर्टेंट डेट्स गुड़ाक तो 1 मार्च कौन आसाला वर्ल्ड सिविल डिफेन्स डे मन जाता थीम थी कौन यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जेनेरेशन ये रही थीम रही वर्ल्ड सिविल डिफेन्स डे परवर्त 1 मार्च आउ गोटे जिन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मन जाता तार जो थीम थी सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज तो डिक्रिमिनलाइज सेव लाइफ आपर थीम फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 3 मार्च आसीगला कौन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और तार थीम कौन थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मन कितने पे इम्पोर्टेंट रही 4 मार्च कौन थी नेशनल सेफ्टी डे आवर एम जीरो हार्म थिला तार थीम 7 मार्च कौन आसगला जन औषधी डे जन औषधी थीम कौन थी जन औषधी सस्ती भी है अच्छी भी है सस्ती भी है और अच्छी भी है से हीगला जन औषधी थीम परवर्त 8 मार्च आम कौन मनेलु इंटरनेशनल वुमेन्स डे 15 मार्च आपर कौन आसगला वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इम्पोर्टेंट मन रखिथे थीम रहीगला इम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मन रखिथे पे 16 मार्च आसला नेशनल वैक्सीनेशन डे नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च मनेलु थीम कौन थी वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन थी थीम 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे तो ये थी इम्पोर्टेंट जोटा कि आम डेट उपर चर्चा करदेलु आगक बढ़िया इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ु देखिए कौन अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन हू अटेंड्स 19th बिमस्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग फ्रॉम इंडिया भारत 19तम बिमस्टेक मंत्री बैठक किए जोग देखते एस जयशंकर बी राजीव गौबा सी डॉक्टर आरके रंजन या फिर डी आर हरिकुमार तो आपको उत्तर हो डॉक्टर आरके रंजन जोटा कि बिमस्टेक 19तम मिनिस्ट्रियल मीटिंग रे जोग देते भारत तरफ विषय भी देखीद कौन अच्छी तो 9 बंगोपसागर थाइलैंड द्वारा आयोजित 19तम बिमस्टेक मंत्री बैठक में वैदेशिक व्यापार और शिक्षा मंत्री जोटा कि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स वैदेशिक व्यापार जो फॉरेन एक्सटर्नल जितक बिजनेस होती शिक्षा मंत्री डॉक्टर रंजन कुमार रंजन सिंह अंशग्रहण करते तो आपर 7टा कंट्री बिमस्टेक जोटा कि मेंबर अच्छा बिमस्टेक फुल फॉर्म भी देख दिखाँ कौन बेंगल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन तो ये 7टा कंट्री देश 7टा देश ये मेंबर अच्छा मेंबर मान नाम भी देखी दिखाँ इंडिया भूटान बांग्लादेश म्यांमार थाइलैंड नेपाल एंड श्रीलंका हेडक्वार्टर कौटी अच्छी ढाका बांग्लादेश 1997 यार जो कि एस्टाब्लीशमेंट होता मन रखते पे इंपोर्टेंट रो तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी इन व्हिच सी द इंडियन नेवी एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2023 हेल्ड तो ट्रॉपिक्स 2023 हूँ सामुद्रिक जो कि भारतीय नौसेना सामुद्रिक अभ्यास कौटी होता शेष होगा ए अरेबियन सी बी बंगाल सी मेडिटेरियन सी या फिर डी इंडियन सी आपको उत्तर हो अरेबियन सी जो कि ट्रॉपिक्स 2023 रोटा कि इंडियन नेवल एक्सरसाइजा कनक्लूडेड करवर्त क्वेश्चन देखीद यह विषय टी कौन अच्छी ये रहीगला सी विगिल फॉर कोस्टल सिक्योरिटी ये थिला तार थीम तो नवंबर 2022-मार्च-2023 पर्यंत 4 मास चलिया परे अरब सागर शेष होता भारतीय नौसेनार व्याम 2023 थिएटर लेवल ऑपरेटिव
ରିଡାଇନ୍ସ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରପେକ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ 2023ରେ ମାନେ ସେଟା ଶେଷ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ 6 ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ 75ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଟ୍ରପେକ୍ସ 2023। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିବା। ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇନାଗୁରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ ହୁଚ୍ ଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? ଏ ଖଡ଼ଗପୁର, ବି ଭୋପାଳ, ସି ହୁବଲି, ୟା ଫିର୍ ଡି ହିଜିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯେଉଁଟାକି ହୁବଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ଯେଉଁଟାକି ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଠି ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ହେଉଛି ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 1.5 କିଲୋମିଟର। ମନେ କେତେ ପିଲାମାନେ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋରଖପୁର ଥିଲା, ତ ଗୋରଖପୁର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 1366.33 ମିଟର। ଏବଂ ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ଅଛି କୋଲାମ ଜଙ୍କସନର କେରଲର କୋଲାମ ଜଙ୍କସନରେ ଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି 1180.5 ମିଟର। ଇଏ ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିବା। ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ଆଇସି? ଏଲ୍ଆଇସିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ? ଏ ଏମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ, ବି ଏମ୍ ଆର୍ କୁମାର, ସି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି, ଡି କମଲେଶ ପାଣ୍ଡେ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଲ୍ଆଇସିର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଦେବା, କରେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସିଇଓ ଅଫ୍ ଏଲ୍ଆଇସି ହାଉନ୍ସିଂ ଫିନାନ୍ସ ମହାନ୍ତି ୱିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି, ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଚାର୍ଜ ଓଭର ଏମ୍ ଡି ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅନ୍ 1st 2021। ତ ସେ ମାନେ ସେ 2021ରୁ ଥିଲେ କେଉଁଠି ସିଇଓ ଥିଲେ ଏଲ୍ଆଇସି ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସର, ତ ଏବେ ସେ ଚାର୍ଜ ନେବେ କେଉଁଠାର? ଏଲ୍ଆଇସିର ଏମ୍ଡି ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ। ତ ଅପ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଟୁ ଲିଡ୍ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏମ୍ଡି। ତ ଏଲ୍ଆଇସିର କରେଣ୍ଟ ଏମ୍ଡି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇପି ମିନି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ରାଜକୁମାର। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲମ୍ ରାମା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କୁମାର, ଆର୍ କୁମାର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ। ତ ଏଲ୍ଆଇସିର କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଲ୍ଆଇସିର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କ'ଣ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1956ରେ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ଏମ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ସିଓ? ତ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଏମ୍ଡି ଏବଂ ସିଓ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏ ମୋହିତ ଯୋଶୀ, ବି ପ୍ରୀତି ମଙ୍ଗା, ସି ସାଣ୍ଡ୍ରୁ ଲାଉ, ୟା ଫିର୍ ଡି କରୁଣା ରାମା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ହେଇଯିବ, ଯିଏକି ମୋହିତ ଯୋଶୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁଟିକି ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଏମ୍ଡି ସିଓକୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଲେଖିଦେବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ, ଫର୍ମର ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋହିତ ଯୋଶୀ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ କମ୍ପାନୀଜ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଫର୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ 5 ଇୟର୍ସ। ସିଏ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବେଠୁ? ଏବେ ବିଗିନିଂ ଅନ୍ December 20, 2023, ଏହି ବର୍ଷ 2023ର ଲାଷ୍ଟ December 20ରେ ୟାଙ୍କୁ ସେ ପଦଭାର ମିଳିବ। ତ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠୁ ଏଣ୍ଡିଂ ହେବ 19 December 2028ରେ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ IT ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ୟାକୁ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୁରୁନାନି ଯିଏକି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ସିଓ ରହିଯିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ IT ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସବସିଡେଡ୍ ବାଇ ମୋହିତ ଯୋଶୀ। ତ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁନାନିକୁ ସବସିଡ୍ କରିକି କିଏ ହେବେ? ମୋହିତ ଯୋଶୀ ହେଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି। ହୁଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ୱିନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ? ତ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଟ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଅସ୍କାରର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡେଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅସ୍କାରର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2023ର ୱିନର୍ଠୁ ନେଇ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଥିରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିଦେବେ। ବାକି ଏଥିରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି? ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଗଲା? ଏ ଦ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ସ, ବି ଫଲ୍ ଆଉଟ୍, ସି ହାଉ ଟୁ ୟୁ ମେଜର୍ ଏ ଇୟର୍, ଡି ଦ ମରାଠା ମିସେଲ ଏଫେକ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହ୍ୱିସ୍ପର୍, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ, ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ସମସ୍ତର ମୁଁ ବି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଭ୍ରି ହୋୟାର ଅଲ୍ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ, ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହେଇଯିବେ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ ଫ୍ରେଜର ଦ ହ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ, ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମିସେଲ ୟେହ, ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡେନିଏଲ କୱନ୍ ଏଣ୍ଡ ଡେନିଏଲ
साइनेट जोटा कि बेस्ट फिल्म जो एवरीथिंग एवरी होयर ऑल एट वन्स डायरेक्शन दे सहित बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर होते के हुओ कुरान नेक्स्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस सहित ओरिजिनल सॉन्ग हो मन खुए नाटू नाटू ट्रिपल आर रंगटा आम भारतीय मूल सॉन्ग सहित डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट सब्जेक्ट हो जोटा कि डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट मूवी ताइला द एलिफेंट व्हिस्पर्स ये रही ऑस्कर रो लिस्टेड जोटा कि इंपोर्टेंट रहिबो तो आपण मैंने जो मैंने टोटल डिटेल्स देखा चाहते मो वीडियो अच्छी आप आई बटन में जाकि देखिपर आई बटन में वीडियो अवेलेबल हो परवर्त देखी दिखाँ हु इनॉग्रेट्स थर्ड दिव्य कला मेला एट भोपाल भोपाल दिव्य तृतीय दिव्य कला मेला किए उद्घाटन करते ए मंगू भाई पटेल बी एल गणेशन सी आदित्यनाथ योगी या फिर डी नरेन्द्र मोदी तो आप उत्तर हो मंगू भाई पटेल जेकि तृतीय दिव्य कला मेला उद्घाटन करते कौटि भोपाल नेक्स्ट है हु इज द एशिया फास्ट वुमेन रेलवे लोको पायलट ऑपरेट्स वंदे भारत एक्सप्रेस किए एशिया प्रथम महिला रेल लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस चलाउंट ए सुचित्रा मिश्रा बी सुरेखा यादव सी नंदिता वंदित या फिर डी नन ऑफ दी अबव आप उत्तर बी हो सुरेखा यादव जो कि फर्स्ट एशियन जो कि आम इंडिया हिं से फर्स्ट एशिया एवं इंडिया लोको पायलट हो वंदे भारत एक्सप्रेस चलेंगे परवर्त देखीदे हु विन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब्रुआरी 2023 2023 फेब्रुआरी मंथ पाई क्या आईसीसी प्लेयर अवार्ड मिलगला ए विराट कोहली बी हैरी ब्रुक सी सिकंदर राजा डी सुमन गिल तो आपको उत्तर हो जोटा कि प्लेयर ऑफ आईसीसी मेन कैटेगरी हैरी ब्रुक को मिलगला एवं ये देखी दिंतु विनर्स ऑफ आईसीसी कैटेगरी जोटा कि फेब्रुआरी मंथ पर दी जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा यहाँ को दि जाए एसले गार्डनर जी कि वुमेन कैटेगरी पाइगले प्लेयर ऑफ द मंथ 2000 फेब्रुआरी मंथ पाई एवं हैरी ब्रुक को मिलगला जो कि इंग्लैंड सी ताको मिलगला कौन मेन कैटेगरी मन रखते पे आग को बढ़िया हु इज न्यूली अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर महिंद्रा आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 महिंद्रा आईबीए महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 पाई नूतन भाव में ब्रांड एम्बेसडर भाव में किए नियुक्ति हेले ए मेरी कॉम बी फरहान अख्तर सी बी बोथ ए एंड बी एफ डी नन ऑफ द अबव तो आप उत्तर हो दुई जन होती मेरी कॉम एवं फरहान अख्तर बोथ ए एंड बी उत्तर होकर ये रही आप खर्च देखी दिंतु द इंदिरा गांधी स्पोर्ट कम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली विल होस्ट द आईबीएस वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 फ्रॉम मार्च 15 टू 26 15 मार्च 26 मध्य आयोजन कर तो महिंद्रा हैज बीन द नेम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द कंपटीशन बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तो BFI रो जो स्पॉन्सर करुची किए महिंद्रा या को स्पॉन्सर करुची एथिरे एमसी मेरिकम एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि एक्टर अछंती फरहान अख्तर या को ब्रांड एम्बेसडर या को साइन करछंती तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी हु अवार्डेड व्यास सम्मान फॉर 2022 तो 2022 पाई व्यास सम्मान रे किए पुरस्कृत ए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी बी रामजी तिवारी सी रामदास मिश्रा रामदर्श मिश्रा या फिर डी नसीरा शर्मा तो आप उत्तर कौन हो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी कि व्यास सम्मान 2022 पाई पुरस्कृत होती ये देखी फोटो और सी तर नोबेल स्टैटिकल नोबेल जो कि पागलखाना पाई या पुरस्कार दिखाई और व्यास सम्मान क्या द्वारा दिया जाए के बिरला फाउंडेशन जोटा कि 1991 रु ही या दि जाऊँगी इनफर्मेशन आ 32वां व्यास सम्मान जो कि आपको मिलगला चतुर्वेदी जी को ज्ञान चतुर्वेदी को मिलगला नेक्स्ट देखीदे कौन अच्छे क्वेश्चन गवर्नमेंट रिमूव्स अपर एज लिमिट फॉर हाउ मेनी इयर्स फॉर रजिस्ट्रेशन टू रिसीव डिकीज डोनर ऑर्गन तो दाता अंग ग्रहण करने को पंजीकरण केत वर्ष सरकारी उपर बयस सीमार हटाला जो कि प्रतबंध थी बयस सीमार आप कौन से प्रकार ऑर्गन जो डोनेट करवा चाहती तो से सीमा जो अपर लिमिट थी केत कर हटे दिगला ए 62 बी 58 सी 63 या फिर डी 65 आप उत्तर 65 नेक्स्ट क्वेश्चन देखीदे व्हिच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर द सी तो CO2 आमदान कर समुद्र तले रखा कौन देश प्रथम देश हो गला ए फिजी बी डेनमार्क सी इंडिया डी फिनलैंड तो आप उत्तर हो डेनमार्क हो उत्तर आप डेनमार्क जी कि समुद्र तले CO2 को एक्सपोर्ट करके से समुद्र तले बोरिड करके रखा ये फर्स्ट कंट्री होगला एवं एथिरे कौन होती ना 1800
मीटर बिनेत माने समुद्र तलरु वाटर सरफेस रु 1800 मीटर तले याकु बोरिड करिक रखिया पई से फर्स्ट प्रोजेक्ट यार जो कि इनॉग्रेट कर दे छी। परवर्ती क्वेश्चन देख देबा, व्हिच कंट्री इज टू होस्ट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन मार्च 17-18। तो मार्च 17-18 रे कौन देश शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्री को बैठक आयोजन करिवो, ए चाइना, बी नेपाल, सी इंडिया, डी बांग्लादेश। ये उत्तर आपण को हेजिवो आम भारत इंडिया हेजो उत्तर। तो शंघाई कॉर्पोरेशन एससीओ रो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री रखे कौटी कराऊ काशी वाराणसी रे, व्हिच इज बीन डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ द एससीओ एवं 2023 जो कि फर्स्ट चेयर करते चेयरपर्सन अच्छा आमर मोदी जी आउ इंडिया को चेयर करते। नेक्स्ट देखते कौन अच्छी, व्हिच मेट्रो बिकम्स द फर्स्ट टू एक्सेप्ट डिजिटल करेन्सी फॉर पार्किंग। कौ मेट्रो पार्किंग डिजिटल मुद्रा ग्रहण करिवारे प्रथम होला, ए बेंगलोर मेट्रो, बी कोची मेट्रो, सी नागपुर मेट्रो, या फिर डी कोलकाता मेट्रो। आपको उत्तर हो बी कोची मेट्रो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु न्यूली साइन इन जियो सिनेमा ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा ब्रांड एम्बेसडर भाव में किए नूतन भाव में मनोनीत होती, ए सूर्य कुमार यादव, बी विराट कोहली, सी सुमन गिल, या फिर डी हर्षदीप सिंह। आपको उत्तर हो स्काय जोटा कि सूर्य कुमार यादव जो कि जियो सिनेमार नुआ ब्रांड एम्बेसडर भाव में मनोनीत होती। आगको बढ़िया, हु टेक्स एडिशनल चार्जेज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी लिमिटेड। तो एनएमडीसी लिमिटेड चेयरमैन कम निर्देशक भाव में किए निजुक्त मैंने किए अतिरिक्त चार्ज ने, ए अमिताभ मुखर्जी, बी श्रीकांत माधव वैद्य, सी आर हरिकुमार, डी प्रमोद अग्रवाल। तो आपको उत्तर हो कौन, ए हो जो कि अमिताभ मुखर्जी नुआ जो कि एक्सटर्नाल जो कि चार्ज ने एडिशनल चार्ज ने एनएमडीसी रो तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन, ये देखिए टी ये हूँ अमिताभ मुखर्जी आउ एनएमडीसी हो गला नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जोटा कि हेडक्वार्टर हैदराबाद अच्छी 1958 यार फाउंडेशन होता। तो नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी, व्हिच एप विन्स द प्रेस्टिजियस 13th एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। कौन एप सम्मानजनक 13th एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीतला, ए एआई अगारा, बी फिनकॉर्प, सी उज्जीवन स्मॉल, या फिर डी नॉन ऑफ दी। तो आपको उत्तर उज्जीवन स्मॉल को मिलगला स्मॉल ऐप को मिल जाएगी कौन प्रेस्टिजियस 13th एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार। तो ग्राहम बेल पुरस्कार विषय भी टी देखीद, तो ये ग्राहम बेल पुरस्कार जोटा कि कहा द्वारा इनोवेशन कर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जोटा कि एमआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे। दिस अवार्ड इज ट्राइब्यूटेड टू द फादर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन जो कि जनक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को यहाँ ट्राइब्यूट करके अवार्ड दिया जाएगा। ता सहित उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज प्राउड टू अनाउंस इट्स हेलो उज्जीवन ऐप हैज वन द 13th एगिस ग्राहम बेल अवार्ड द इनोवेशन कंज्यूमर टेक कैटेगरी रे इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक कैटेगरी रे से ऐप को आप 13th एगिस ग्राहम बेल पुरस्कार दी जाती है एवं ऐप का नाम है हेलो उज्जीवन ऐप। मन रखते पे मैंने आगक बढ़िया, हु हैज अवार्डेड सरस्वती सम्मान फॉर 2023। मन रखते पे इंपोर्टेंट रहा 2023 सरस्वती सम्मान किए पुरस्कृत हेले, ए शिवशंकरी, बी रमादास मिश्रा, सी अखिल प्रजापति, डी के शिवान। तो आप उत्तर कौन हो शिवशंकरी जहाँ को मिलगला सरस्वती सम्मान जे कि 2023 ये रही गले तमिल राइटर जे कि अवार्डेड होती 2022 19 रे मेमोरियल थी सूर्यवंशम केके बिल्ला फाउंडेशन द्वारा या दि जाए कौनटा सरस्वती सम्मान एवं 22 लांगुएज हिं या लिटरेरी वर्क फर एनी 22 लांगुएज 22 लांगुएज या दि जाए एवार्ड और सरस्वती सम्मान जो इनस्टिट्यूटेड होता 1991 या केके बिल्ला फाउंडेशन दिए फास्ट विनर को जो कि मतलब फास्ट जो विनर थे प्रथम क्या पुरस्कार दिखाई हरिवंश राय बच्चन को दिखाई और एथेरे 15 लाख पुरस्कार दिया जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी, हु नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर किए जीतिले, ए दिनेश कुमार खरा, बी शक्तिकांत दास, सी ऋषिकेश राकेश मखीजा, डी के शिवान। आपको उत्तर आमर आरबीआई रो गवर्नर जे कि शक्तिकांत दास को दिगला गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट देखिद जॉइंट इंडिया सिंगापुर एक्सरसाइज होल्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र कनक्लूडेड व्हिच सिटी। तो मिलित भारत सिंगापुर व्यायाम बोल्ड कुरुक्षेत्र कौन शहर शेष होगा, ए जोधपुर, बी वायजाग, सी बैंगलोर, या फिर डी भोपाल। आपको उत्तर हो जोधपुर। नेक्स्ट देखिद कौन अच्छी, जोधपुर 6 मार्च 13 मार्च पर्यटन जो आप बोल्ड कुरुक्षेत्र बायोलिटरल एक्सरसाइज चलता सेटा शेष हो जाएगी।
ये जोधपुर रे हिं शेष होइछि जोधपुर मिलिटारी स्टेशन रे। नेक्स्ट देखि देबा कोन होछि ये 13तम संस्करण थिला मन रखिथे पिला माने आगो को बढ़िया। रिसेंटली व्हिच टीम विन ईरानी ट्रॉफी 2023 मन रखिथे पिला रे में ईरानी ट्रॉफी कोन खेल से तरे रिलेटेड ईरानी जोटा कि क्रिकेट से तरे रिलेटेड 2022-23 पई के खेल रे जो कि विनर हेगला ये सौराष्ट्र विदर्भ सी मध्य प्रदेश टीम या फिर डी टीम रेस्ट ऑफ इंडिया आप उत्तर है जो टीम रेस्ट ऑफ इंडिया जी जीती गला ईरानी ट्रॉफी। तो ये ईरानी ट्रॉफी कहाँ कहाँ मध्य हुए 22-23 होता एवं ईरानी ट्रॉफी जो कि जेड आर ईरानी द्वारा लेट जेड आर ईरानी द्वारा या नाम अनुसार ईरानी ट्रॉफी मैंने इनाग्रेट कर जाए ता सहित 1969-60 मसीह इनाग्रेसन कर इंट्रोड्यूस कर। तो फास्ट जो कि ट्रेडिशनल 5 डे मैच प्लेड बिटवीन रणजी ट्रॉफी विनर्स एंड रेस्ट ऑफ इंडियन टीम भितर यही जो कि ईरानी ट्रॉफी रही मैच हुए एवं एथिरे जो कि डिफिटेड होती मानते हारीगले होती मध्य प्रदेश बाकी जीतला रेस्ट ऑफ इंडिया। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पॉक स्ट्रेट इन द फास्टेस्ट अंडर 21 ग्रुप। तो द्रुततम अंडर 21 ग्रुप रे पॉक स्ट्रेट दे पहरियार भारत प्रथम भारतीय किए हेले ए संपन्न रमेश सिल्ला बी श्रीहरि नटराज या फिर सी सज्जन प्रकाश या फिर डी विद्वाल खाड़े। तो आप उत्तर हो कि संपन्न रमेश सिल्ला जे कि अंडर 21 ग्रुप रे पॉक स्ट्रेट को पार कर फास्ट इंडियन हो जाती ये रही फोटो 17 मार्च पार कर तमिलनाडु सी होती कौटू कौटे की जाते तलाईमन्नार श्रीलंकर कौन धनुषकोड़ी तमिलनाडु पर्यटन से पहरिक फास्ट इंडियान हो जाते। परवर्त देखा व्वेर वाज द इंटरनेशनल आयुर्वेद कनक्लेव इनाग्रेटेड अंतर्जात आयुर्वेद कनक्लेव कौटे उद्घाटित होता ए केरला बी हरिद्वार सी वाराणसी डी पुरी। तो आप उत्तर बी हरिद्वार हो हरिद्वार इंटरनेशनल अंतर्जात आयुर्वेदिक कनक्लेव इनाग्रेसन कर ये रहीगला आयुर्वेदिक कनक्लेव एवं तार थीम थिला वेटरिनरी मेडिसिन एंड आयुर्वेद ये मन रखे पे मैंने नेक्स्ट देख देवा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे व्हिच स्टेट गॉट इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम कौन राज्य प्रथम थर पर वैद्युतिक ट्रेन चलला पाइला से ए केरल बी सिक्किम या फिर सी मेघालय डी नागालैंड। आप उत्तर मेघालय हो मेघालय जो कि फर्स्ट टाइम जैकि इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन को अप्रूवल मिल जाए चलने ये रही आपर। तो ये चलो कौटू दुधनाई ठू मेदिनापाठर एवं अभयपुरी ठू पंचरत्न ये डबल लाइन ले चलो NFR जोटा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रे। तो ये आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पूरा थर्ड वीक रुक इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसती पुणी ये एक भिड सहित देखा से भिडियो कमेंट लाइक सेयर कर जमा भूलुनी। थैंक यू फर व्वाचिंग पुणी आउ थे आसबी।